गुणाला सेवाईला तारो लादा गुंडवाला जमा आईला ता गुंडवाला जमा आईला तारो लादा गुंडवाला जमा आईला ता गुंडवाला जमा आईला तारो लादा गुणाला सेवा आईला ता अपला सोजर पेलता सेवा आईला ता अपला सोजर पेलता सेवाला सगावाईला ता आईला ता You hate what you adore. When truth is revealed, the reason is just because hypocrisy is the cause. And my last poem for you this evening will be, I called it Feeling of Compassion. Feeling of Compassion. Land of mine. Because I am a tribal, I love my own land so much. Land of mine, what shall I now sing? What shall I now sing? My heart is as heavy as lead. The children of the soil, now they are all spoiled. Do the ancestors of our tribal, does some of the land being pure? Where are moral values? Yeah. Have they vanished? The pain in my heart, my ears can't bear to hear the words of the devil from the growing children. They bog down. Father, show them, oh dear uncle or elder brothers, the handwork for fathers to the children who are scattered before the complete. For the land of ethical values, O land of souls, why have these children forgotten this illusionment, fulfilling one's heart's content? No, just misleading the truth and disguising the children. Show them the good ways. Start from yourself to dignify. So that others will honor, to be honored and glorified. Begin from your home. Begin from your home of our homes. Spare your time to teach them well. We are the soil. We are the children, the tribal children of our motherland. Thank you. Namaste. Johar. Johar, bahut bahut dhanyawad aapka. और मैं अपनी अगली गेस्ट को इनवाइट करना चाहूंगी स्नेहलता नेगी जी. मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे अपनी कविता प्रस्तुत करें. स्नेहलता जी. नमस्कार सभी को. जोहार. सबसे पहले मैं स्नेह सिंह ताराराम जी की इस पुण्यतिथि पर उनको नमन करती हूँ जिन्होंने गोंडवाना दर्शन पत्रिका के माध्यम से गोंडवाना समाज, उसकी भाषा और विविध जो आदिवासी भाषाओं को एक प्लेटफॉर्म जो उन्होंने प्रोवाइड किया है और उसे उषा किरण मैडम और शताली निरंतर आगे बढ़ा रही हैं. ये बहुत ही सराहनीय एक कदम है जो एक मंच जो है अलग अलग भाषा मुहैया कराया और मुझे आमंत्रित करने के लिए इस मंच पर बहुत बहुत धन्यवाद. मेरी जो कविता का शीर्षक है, मैं मूलतः हिमाचल प्रदेश किन्नौर से हूँ और किन्नौरा ट्राइब हमारा मैं बिलोंग करती हूँ और अभी मैं संप्रति दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और मेरी जो भाषा है वो किन्नौरी भाषा है और किन्नौरी में मैं शुरुआती जो चार पंक्ति जैसे भी इंस्ट्रक्शन हमें मिला है कि शुरुआती जो चार पंक्तियाँ वो किन्नौरी में बोलूँ. मेरी कविता का शीर्षक है आदिवासी प्रेम आदिवासी बहनना. अगर किनौरी में कहूँ तो गिरंग रियो आंगरा किम्पांग रियो आंगरा अटंग नंगो बहनंग तो जंगल सेमचन प्याज प्यूत जंगल नो तो हर बोठंग डालंग पतंग अटंग नंगो और किम्पांग और अमूल्य तो चला दो सीरु कदर लामा मशीन. हम हिंदी में उसको सुनाती हूँ. आदिवासी प्रेम. आपने कहा हमें प्रेम है प्रकृति से पशु पक्षियों से हर सुंदर चीज से.
आपने कहा अपना उन सभी के प्रति जिससे प्रेम का दावा किया, आपने पशु पक्षियों से प्रेम किया, सुंदर महंगे पिंच कैद कर दिया, आपको कुत्ते बिल्ली से प्रेम है, उन्हें खूबसूरत जंजीरों में बांध सुंदर कपड़ों से संवार दिया, जहां वे बेजुबान अपने लिए खुली हवा और उन्मुक्त गगन को तरसते रहे, आपने कहा हमें प्रकृति से प्रेम है, उस प्रेम में आपने उसका दोहन किया, प्रकृति अपनी ममता आप पर लुटाती रही, लेकिन आपका मन कभी भरा नहीं। आपने स्त्री से कहा तन गई, कहीं उन पशु पक्षियों की तरह वह भी अदृश्य सुनहरे पिंजरों में कैद होने की प्रक्रिया में तो नहीं है। आपने जिससे भी प्रेम किया उससे उसे अपना गुलाम बनाया, जो भी सुंदर है वो सिर्फ तुम तक सीमित रहे, यह आपके प्रेम की दृष्टि है। आदिवासी का प्रेम अपनी प्रकृति पशु पक्षियों को कैद करने में नहीं है, उन्हें उन्मुक्त गगन में विचरित होते जंगलों में सहज फलते फूलते अखेलियां करते हुए देखने में है। हमारे लिए घर के पालतू जानवर जंजीरों में झगड़ा कैदी नहीं होता, वो हमारे संग खाता पीता उठता बैठता परिवार का अभिन्न हिस्सा होता है, और ना वो समाज के स्टेटस सिंबल होता है, वो भी तो उतना ही स्वतंत्रता और समानता का अधिकारी है जितना मनुष्य। आदिवासी प्रेम में विवाह में स्त्री से 7 जन्मों का वादा तो नहीं करता, पर प्रेम में प्रेम के संबंधों में बराबरी का दर्जा जरूर देता है। इसलिए यहाँ स्त्री भी प्रेम का पहल करने का अधिकार रखती। आदिवासी स्त्रियां प्रेम में कैद नहीं होती, ना वो गुलामी झेलती है, वो प्रेम में पूर्ण और स्वच्छंद होती है। प्रेम की पहली शर्त दूसरे का सम्मान है, जहाँ सम्मान है वहां समर्पण भी स्वतः होगा। आदिवासी स्त्रियां अपने समाज में सम्मान पाती हैं, इसलिए हवा की तरह प्रेम के बहाव में बहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आमंत्रित बहुत है अच्छा धन्यवाद बहुत बहुत अच्छा बहुत 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 ऐसी जीवन को एक प्रस्तुत करती हुई एक बहुत सुंदर कविता। और इसी के साथ मैं अपने अगले कवि जो महाराष्ट्र से लखन सिंह जी कटरे, उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी कविता प्रस्तुत करें। नमस्कार, मैं महाराष्ट्र जिला गोंदिया से हूँ। मैं पोवार समाज से बिलोंग करता हूँ। जिस पोवारी बोली में मैं एक कविता की शुरुआत करता हूँ, उसके बाद मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा पूरी कविता। सबसे पहले तो मैं हमारे भाई सुमेर सिंह ताराम जी की याद ताजा करता हूँ। हमारी बहना उषा किरण अपराम जी ने मुझसे कहा कि आज के इस कार्यक्रम में मैं आऊं, बहुत बहुत धन्यवाद। कई प्रकार की आदिवासी भाषाएं मुझे सुनने को मिल रही है, और बहुत बड़ी बात यह कि भाई भाव जैसे खूब दूसरा है। तो मैं मेरी कविता शुरुआत करता हूँ। बोलो गांधी बाबा, तुम्हारी में है गांधी बाबा, तुम रो चोर का मेला, इसको मैं हिंदी में पढ़ के बताता हूँ। समय का बोलो गांधी बाबा, बोलो गांधी बाबा, कहाँ है आपका वहां चश्मा, धोखे क्या मुझे आपका वहां चश्मा। आजकल मेरी नजर जरा कमजोर होने लगी है, ठीक से देख नहीं पाता हूं मैं आजकल, धोखे क्या मुझे आपका वहां पुराना चश्मा। गांधी बाबा, आजकल चलते वक्त लड़खड़ाने लगते हैं मेरे कदम,
गांधी बाबा, आजकल चलते वक्त लड़खड़ाने लगते हैं मेरे कदम, संभव हो तो दीजिए मुझे आपका हुआ डंडा, संभव हो तो दीजिए मुझे आपका हुआ डंडा, जिसके आधार से चल सकूं मैं संभल संभल कर, जिसके आधार से चल सकूं मैं संभल संभल कर इस भीड़ में। बड़ी कृपा होगी आपकी, बड़ी कृपा होगी आपकी, क्या दे सकोगे मुझे आप आपका वो आधार युक्त डंडा। गांधी बाबा उसी तरह संभव हो सके यदि, गांधी बाबा उसी तरह संभव हो सके यदि, तो क्या दोगे आप मुझे वहां आपकी, वहां आपकी 30 जनवरी की बेला, क्या देंगे आप मुझे वहां आपकी 30 जनवरी की बेला और साथ में वे 2 या 3 बंदूक की गोलियां भी, ताकि मुझे भी जाग सके। हिम्मत आपकी जो मैं कह सकूं बेझिझक, जो मैं कह सकूं बेझिझक, हे राम झेलते वक्त वहां गोलियां, बोलो देखो क्या मुझे आपकी वहां बेला और वहां गोलियां। गांधी बाबा बोलो कहाँ है आपका वहां चश्मा, दोगे क्या मुझे आपका वहां चश्मा। धन्यवाद और बहुत बहुत सभी को धन्यवाद कि आज मुझे बहुत सारी आदिवासी भाषाएं सुनने को मिली जो मैं कभी सुन भी नहीं सकता था, उसके लिए मैं हमारी बहना और उषा किरण अतराम बहन हमारी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारी बच्ची श्वेताली को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद भाव, बहुत सुंदर कविता सुनाई आपने। गांधी बाबा का चश्मा जो एक व्यंग भी था और एक वास्तविकता भी था और इतिहास का भी उसमें समावेश है, बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई और अपना अनमोल समय दिया, धन्यवाद भाव। इसके बाद उसके बाद शोभा एल्मो जी दार्जिलिंग, शोभा एल्मो जी अपनी कविता सुनाए, शोभा एल्मो दार्जिलिंग। हेलो, जोहार जोहार दीदी, मैं डॉक्टर शोभा लिम्बु योल्मो कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल से हूँ और मैं कालिम्पोंग महाविद्यालय में कॉलेज में मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और आज मुझे मैं संपूर्ण सबसे पहले मैं संपूर्ण गोंडवाना दर्शन परिवार के प्रति आभार प्रकट करती हूँ क्योंकि उन्होंने आज इस सुरेंद्र सिंह तावड़ जी के पुण्यतिथि पर मुझे आमंत्रित करके, और मैं विशेष करके मैं इस गोंडवाना दर्शन परिवार से मैं पहले से एक संयुक्त हूँ और मुझे जब भी कोई भी किसी भी चीज की हमारे आदिवासी समुदाय की कोई भी चीज की अगर मुझे कोई असुविधा हो तो मैं बराबर रूप से आप सब से मैं साझा करती रहती हूँ और आज इस पुण्यतिथि पर मैं बहुत आनंद महसूस कर रही हूँ, खुशी महसूस कर रही हूँ कि आप सबके समक्ष मैं साझा करने और लिंबू समुदाय में हम देखते हैं कि कोई भी काव्य गीत हो, कोई भी लोकगीत हो, कोई भी लोक नृत्य हो, लोक कथा हो का आधार हम देखते हैं कि हमारे गांव समाज के यथावत गतिविधियों पर ही निर्भर है और इन इन काव्य, इन कविता, इन लोकगीत, ये लोक नृत्य, इनके माध्यम से हमारे संस्कृति के अंदर कई विशेषताओं को हम संरक्षित करते हुए इस सब को पुरखों से परंपरागत रूप से हस्तांतरण करते हम चले आ रहे हैं, चाहे वो कविता हो, चाहे वो लोकगीत हो, चाहे वो लोक नृत्य हो। और हमारे पूर्वज हम देखते आ रहे हैं अपने परिवार में भी कि हमारे सभी समुदायों में, हमारे आदिवासी समुदाय में हमारे पूर्वज प्रशस्त रूप में गाकर नृत्य करके हमारे परंपरा को आज तक कायम कर रखे हैं और अन्य समुदायों की तरह हमारे लिंबू समुदाय में भी कई लोकगीत, लोक नृत्य है, कई लोकगीत नृत्य के साथ साथ गाने की जो परंपरा होती है, पर कई लोकगीत ऐसी भी होती है जिसमें नृत्य की आवश्यकता नहीं होती है और लिंबू लोग हमारे लिंबू में कई लोकगीत है जैसे पालम गीत, हकपारे सामलो गीत को हम लोग सामलो कहते हैं और ख्याली सामलो, तुम्हांग सामलो, लोई सामलो, उल्लो सामलो और चिराकलाक सामलो, केलांग सामलो, मिक्कम सामलो, तामके सामलो। तो ये जितने भी सामलो है, ये जितने भी
गीत है, ये जितने भी नृत्य है, ये सब हम लोग विशेष अवसर पर हम लोग करते हैं। तो आज मैं आपके समक्ष एक काव्य गीत मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस काव्य गीत का जो शीर्षक है चिलेक्वा पांग सामलो। चिलेक्वा पांग सामलो है ये जो काव्य गीत है, ये लिंबू समुदाय में विशेष करके किसी भी त्योहार में और किसी भी जमघट में मनोरंजन करते समय गाकर नाच कर करते हुए अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। और इसके अवसर पर वयस्क जो व्यक्ति होते हैं वो भी इसमें शामिल होकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो ये चिलेक्वा पांग सामलो जो है, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ ये काव्य गीत। चिलेबा येंगाम एम्बारो तेंदाम पांगजुंग ओपारो खंग 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 तो ये जो लोकगीत है, ये जो काव्य गीत है, ये काव्य गीत का अर्थ यह है कि आज का दिन रविवार है और देंताम एक जगह है, देंताम बाजार का हाट है आज। सिंदूर और काजल लगाकर आईना में अपना चेहरा चमकाते हुए कंघी केस कंघी कर मुंह में तेल लगाकर हेम्बारी कसकर पहनकर, हेम्बारी मतलब कमर में जो एक ओढ़नी कसकर हम लोग जो बांधते हैं, मुझे तो से सर ढककर ओढ़नी से जो सर ढककर फरिया फरफर पहनकर घाघरा की तरह जो हमारे जो पोशाक होते हैं वो पहनकर पटुकी घुमाकर बांधकर अर्थात पटुकी को भी कमर में बांधते हैं अर्थात हमारे समाज में जो युवक युवतियां हैं वो किसी भी अवसर पर किसी भी मनोरंजन करते समय त्योहार में जमघट में इस तरह के पहनावा करके तैयारियां करके वो हाट में बाजार में जाया करते हैं। तो इस तरह हमारे जो ये जो काव्य गीत के माध्यम से या काव्य लोक गीत के माध्यम से हम अपनी परंपराओं को हम जान या समझ सकते हैं। तो इस तरह हमारे हमारे जो लिंबू समुदाय में बहुत सारे ऐसे गीत है, जैसे धान नाच के समय भी जब धान की रोपण होता है तो उस समय हम लोग पालम गीत बोलकर पालम सामलो बोलकर गीत गाते हैं। और उसी तरह कोई भी करुण या मार्मिक अवसर पर हम लोग हक पारे सामलो ये जो गीत है इसको हम लोग गाते हैं, इसको नृत्य जैसे करुण मार्मिक अवसर पर ये हम लोग गीत गाते हैं। और हाजिरी जवाब जो आजकल के जो हमारे हम अन्य समुदाय में देखते हैं हाजिरी जवाब के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को क्या करते हैं, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो इसी तरह जो हाजिरी जवाब जो प्रचलन है अपनी भावनाओं को बताते हुए, जैसे लिंबू समुदाय में एक दूसरे को आदर सत्कार कर जो हमारी परंपरा में है कि भोजन खिलाने का जो दस्तूर है, तो घर पर जो भी आते हैं पाहुना उनके सामने परोसकर रखने के बाद खिलाने वाले व्यक्ति इस धुन को गाते हुए उस अतिथि का सत्कार करते हैं। जैसे एक एक ख्याली सामलो है, ए सिंह वाली सिंह बुम खेवा हिम बुम ए ना बारी थुकवा कुक खेवा हुकुआ ए कुक सोगिन चीबाक तेंदुम में झिल्ले ए कुजानी नुग्रा खिम मारा चामा ए कुजानी फेंग्रा सीरिंग मोनु चामारो। तो इस ख्याली सामलो का अर्थ है कि हम इस दुखिया के घर में कुछ भी तो नहीं है, फिर भी महाशय को बुलवाकर बहुत तकलीफ दिया, स्वादिष्ट हो तो आप इसे लोभ से ही सही और स्वादिष्ट न हो तो शर्म से ही सही इस पकवान को जूठा कर खाए ताकि हम इस परिवार हमारे परिवार लोग हम धन्य होंगे, आप अगर मेरे हमारे पकवान को खाए तो धन्य होंगे। तो इस तरह से ये जो चलन है ये जो परंपरा है अतिथियों का सत्कार करने का, तो इसे हम लिंबू समुदाय में ख्याली सामलो कहते हैं।
तो मैं इतना ही कहकर, क्योंकि समय की थोड़ा सा कमी भी है, संपूर्ण गोंडवाना दर्शन परिवार के प्रति आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, धन्यवाद, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत ही सुंदर आपकी कविता थी। संस्कृति और परंपराओं का एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन आपने बहुत अच्छे से उसे एक्सप्लेन किया कविता के थ्रू। मैं की ओर बढ़ते हैं। गोंदिया महाराष्ट्र से तिरुमाल मानिक गेड़ाम सर को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी कविता प्रस्तुत करें। स्वागत है, धन्यवाद। मैं मानिक गेड़ाम गोंदिया महाराष्ट्र से, मैं वैसे मराठी में लिखता हूँ लेकिन एक मराठी कविता का अनुवाद किया है वो मैं आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले इस खास कवि सम्मेलन के अध्यक्ष वारूजी सोनवाने और गोंडवाना परिवार के सभी सदस्यों को मेरा सेवा जोहर। कविता है गुलमोहर। इस कविता में मैंने इस ये गुलमोहर एक प्रतीक के रूप में मैंने लिया है और वो आपको सुनाने जा रहा हूँ। आपको आवाज आ रही है सबको? आ रही। हाँ, गुलमोहर के पत्ते, गुलमोहर के पत्ते हरे भरे दिखाई नहीं देते पहले जैसे। गुलमोहर के पत्ते हरे भरे दिखाई नहीं देते पहले जैसे। पीले भी नहीं हुए है डंठल के पास से। गुलमोहर के पत्ते हरे भरे दिखाई नहीं देते पहले जैसे। पीले भी नहीं हुए डंठल के पास से। उल्टा ही नहीं गुलमोहर ऐसा भी नहीं। वाह ही नहीं गुलमोहर ऐसा भी नहीं। आते हैं फूल गहरे लाल किंतु, आते हैं फूल गहरे लाल किंतु दिखाई देते हैं फांसी लगे जैसे। वाह वाह। आते हैं फूल गहरे लाल किंतु दिखाई देते हैं फांसी लगे जैसे। किस द्रव्य का है ऐसा असर, किस द्रव्य का है ऐसा असर। दोस्त मेरे तुम्हारे गांव के गुलमोहर गा रहे हैं क्या इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर, धन्यवाद इसके। धन्यवाद भाव अपना समय। और मैं जनार्दन गोंड जी को आमंत्रित करती हूँ जनाए अपनी कविता सादर करें। जनार्दन गोंड जी उत्तर प्रदेश से हैं। जनार्दन जी आप सुन पा रहे हैं हमें? जी जी जी, आवाज आ रही है। जी जी, अपनी कविता प्रस्तुत करें प्लीज, आपका स्वागत है। कविता प्रस्तुत, धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो मैं गोंडवाना दर्शन मंच को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और सुनहर सिंह ताराम जो गोंडवाना समाज और गोंडवाना प्रदेश के गोंडवाना रत्न है, आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे समय के श्रेष्ठ साहित्यकार वारू सुनावड़े जी को बहुत बहुत सत्कार, उनका अभिवादन करता हूँ। और एक कविता मैं उषा किरणताई से निवेदन करूंगा कि जो कविता मैंने भेजी हुई थी वो कविता न पढ़ करके मैं दूसरी कविता पढ़ना चाहता हूँ अगर आदेश हो तो। पढ़िए जी। कविता का शीर्षक है पत्थर का आदमी और जिंदा कौमे। पत्थर का आदमी और जिंदा कौमे। प्यार मोहब्बत की बात करता, प्यार मोहब्बत की बात करता, हंसता मुस्कुराता आंख न चाहता। प्यार मोहब्बत की बात करता, हंसता मुस्कुराता आंख न चाहता। गुदगुदा कर नश्तर चलाता, किसको लड़ाता उसको लड़ाता। पत्थर का आदमी भाई, पत्थर का आदमी, पत्थर का आदमी भाई, देखो कैसे कैसे है नाच नचाता। पत्थर का आदमी भाई, पत्थर का आदमी, सौ सौ सवाल करता जिंदा कौमों से,
वह पत्थर की उंगली जिंदा कौमों के सीने पर रखता, जिंदा कौमों की धड़कन नापता, सांसों की गिनती के बाद जिंदा कौमों को पत्थर होने का फरमान सुनाता। पंक्तियां और हैं, पत्थर बनने का लाभ हानि को समझाता, पत्थर बनने के लाभ हानि को समझाता, जिंदा कौमों की धड़कन नापता, सांसों की गिनती के बाद जिंदा कौमों को पत्थर होने का फरमान सुनाता, पत्थर बनने का लाभ हानि समझाता, जिंदा कौमें तो जिंदा ठहरी, कब तक पत्थर के आदमी को सुनती रहती, जिंदा कौमें तो जिंदा ठहरी, कब तक पत्थर के आदमी को सुनती रहती, घन छेनी से प्रहार करने लगी और पत्थर का आदमी धूल में मिल गया, जिंदा कौमें फिर से ताजा हो गई और धरती आसमान गीतों से भर गया। तो यही कविता मेरी थी और मैं उषा किरण ताई को बहुत बहुत जो है कि धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इस मंच से जुड़ने का मौका मिला, और वारू सुनावड़ी जी को बहुत बहुत आभार कि आज उनसे पहली बार पढ़ने का मौका बहुत मिला है, लेकिन वाह वाह बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, देखने बहुत सुंदर कविता सुनाइए जी जनार्दन जी, आपका आपका आभार, धन्यवाद बहुत बहुत, और अच्छी पत्थर का आदमी कविता सुनाइए। इसके बाद हम महाराष्ट्र से रेखा जुमनाके को आमंत्रित कर रहे हैं, रेखा अपनी कविता सुनाइए, रेखा जुमनाके महाराष्ट्र वर्धा। सबको मेरा सेवा जोहर, सेवा जोहर, सुनाई दे रही है मेरी? हाँ, शुरू करो आवाज। ठीक है ठीक है, सेवा जोहर आ रही है, सेवा जोहर, सभी को सेवा जोहर, सेवा जय गोंडवाना। आज तीन वर्षीय दादा सुनील सिंह जी ताराम की जयंती का महोत्सव हम मना रहे हैं कवि सम्मेलन के रूप में। आपका कार्य इतना महान रहा है, कितना महान है ये आप सब जानती हैं, उसके बारे में और ज्यादा बयान नहीं करूंगी क्योंकि अन्य कवियों ने अभी बता दिया है और हमारे पास समय कम है कि मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी। बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जब जब भी गोंडवाना का इतिहास लिखा जाएगा, जब भी गोंडवाना का इतिहास लिखा जाएगा, तब तब सुनील सिंह जी और उषा ताई का नाम सर्वप्रथम लिया जाएगा, सर्वप्रथम। आपके सम्मान में केवल मैं दो तीन पंक्तियां कहना चाहूंगी। तुम नहीं जानते तुम कौन हो, तुम नहीं जानते तुम कौन हो, तुम धरती के सपूत हो, तुम धरा के सपूत हो, तुम गोंडवाना के गीत हो, तुम ही रेला का संगीत हो, तुम नहीं जानते तुम कौन हो, तुम गोंडी का ज्ञान हो, तुम गोंडी भाषा का ज्ञान हो, तुम आदिमता की शान हो, तुम आदि गोंडी भाषा का ज्ञान हो, तुम आदिमता की शान हो, तुम साहित्य विश्व की जान हो, तुम नहीं जानते तुम कौन हो, तुम नहीं जानते तुम कौन हो। मैं इसमें और भी पंक्तियां जोड़ना चाहूंगी लेकिन अभी फिलहाल मैं इतनी ही कहना चाहूंगी और मेरी कविता पर आती हूँ। और मेरी कविता का नाम है मैं ही हूँ, कविता का नाम है मैं ही हूँ। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, मैं सदियों से हूँ धरती का वासी, मैं सदियों से हूँ धरती का वासी, तुम मानो या ना मानो, तुम मानो या ना मानो, मैं ही हूँ मूल निवासी, मैं ही हूँ मूल निवासी। जब से विश्व की रचना है, जब से विश्व की रचना हुई, तब से मैं धरती की गोद में खेला, जब से विश्व की रचना हुई, तब से मैं धरा की गोद में खेला, फूलों के संग धौरे से गुनगुन, फूलों के संग धौरे से गुंजन गुनगुनता था मैं हलवेला, फूलों के संग भौरे सी गुंजन गुनगुनता था मैं हलवेला, ये धरती ये जंगल, ये धरती ये जल और जंगल, इनसे मेरा खून का रिश्ता, ये धरती ये जल और जंगल, इनसे मेरा खून का रिश्ता, जब तुम काटते हो मेरे सरोवर, जब तुम काटते हो मेरे सरोवर, तब मेरा ही लहू है बहता, तब मेरा ही लहू है भरता बहता, मेरे तो जल और जंगल, मेरे तो जल और जंगल, नहीं कोई मेरी काबा कशी, मेरे तो जल और जंगल, नहीं मेरी कोई काबा काशी,
तुम मानो या ना मानो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, तुम मानो या ना, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, बेहतरीन बात। तुम गाड़ते हो, जब तुम गाड़ते हो खंबे जमी पर, जब तुम गाड़ते हो खंबे जमी पर, तीर से छूटते मेरे सीने पर, तीर से जब तुम गाड़ते हो खंबे जमी पर, तीर से छूटते मेरे सीने पर, जब तुम बनाते हो बांध नदी पर, जब तुम बनाते हो बांध नदी पर, बहती नर्मदा आंखों से होकर, बहती नर्मदा आंखों से होकर, क्या तुमने कभी सींचा है, क्या तुमने कभी सींचा है धरती को खून पसीने से, क्योंकि हमने सींचा है, क्या तुमने कभी सींचा है धरती को खून पसीने से, क्या तुमने कभी निहारा है जंगल को प्यार भरी निगाहों से, क्या तुमने निहारा है, क्या तुमने दुलारा है जंगल को प्यार भरी निगाहों से, मैं ही धरती का आभा, मैं ही धरती का आभा, मैं ही हूँ शंभू 88, मैं ही धरती का आभा, मैं ही हूँ शंभू 88, तो मानो या ना मानो, पर मैं ही हूँ निवासी, मानो या ना मानो, मैं ही हूँ छोटे छोटे से जल सोते, छोटे छोटे से जल सोते, बूंद बूंद से सागर को भरते, छोटे छोटे से जल सोते, बूंद बूंद से सागर को भरते, और तुम बड़ी सहजता से उस पर अपना नाम लिखाते, और तुम बड़ी सहजता से उस पर अपना नाम लिखाते, संस्कृति कितनी महान है जिसे हमने बनाया है, और ये लोग आकर अपना नाम लिख जाते हैं। भीम बेटा को भीम बहस का बोलते हैं, पांडवों से उसकी उसका संबंध जोड़ते हैं, छोटे छोटे से जल सोते, बूंद बूंद से सागर को भरते, और तुम बड़ी सहजता से उस पर अपना नाम लिखाते, नाम लिखाते, छोटा सा है जमी का तारा, छोटा सा है जमी का टुकड़ा, मेरी आंखों का है सारा, छोटा सा है जमी का टुकड़ा, मेरी आंखों का है तारा, और मैं सहेज ही हक जमाते, और तुम सहेज ही हक जमाते, जिसे न तुमने कभी नहीं आ रहा, जिसे न तुमने कभी, तुमने देखा ही नहीं उद्यमी और कंपनियां आकर वहां पर अपना नाम लिख जाती है। लड़ूंगा मैं इस भूखी खातिर, लड़ूंगा मैं इस भूखी खातिर, क्योंकि मैं ही हूँ सच्चा भूवासी, तुम मानो, मैं ही हूँ सबसे मूल्यवान, मानो, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत तुमने अक्सर छला है मुझको, तुमने अक्सर छला है मुझको, दस्यु दानव कहकर पुकारा, तुमने अक्सर छला है मुझको, दस्यु दानव कहकर पुकारा, छल से लूट कर मेरे ही नगर, छल से लूट कर मेरे ही नगर, मुझे बनवासी कहकर पुकारा, छल से लूट कर मेरे ही नगर, मुझे बनवासी कहकर पुकारा, अरे मैं ही हूँ असली शहरी, क्योंकि सिंधु सभ्यता में तो हमारे शहर, सिंधु सभ्यता हमारे शहर थे, इसलिए मैं ही हूँ असली शहरी, नहीं कोई मैं बनवासी, मैं ही हूँ असली शहरी, नहीं कोई मैं बनवासी, तुम मानो या ना मानो, मैं ही हूँ मूल निवासी, तुम मानो या ना मानो, मैं ही हूँ मूल निवासी, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, मैं ही हूँ धरती का वासी, इतिहास गवाह है, मैं ही हूँ धरती का वासी, तुम मानो या ना मानो, मैं ही हूँ मूल निवासी, मैं ही हूँ मूल निवासी, मैं ही हूँ मूल निवासी, जय शिवा, जय जोहार, वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद जी, मैं हूँ मूल निवासी, बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई, हमारे रोंगटे खड़े हो गए और नया ऊर्जा भी आ गया आपकी कविता से, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, इसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, इसके बाद महाराष्ट्र आमगांव से आ रहे हमारे शेर शायर लिखने वाले आमगावी भाले राव, अपनी कविता अपना शेर सुनाएंगे, भाले राव जी नमस्कार, सभी हाजरीन को आदाब, सभी हाजरीन को आदाब, एक गजल के चंद अशआर आपके नजर रखने का कोशिश करता हूँ, उम्मीद है आप स्वागत है, स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आप सब तक, सबके दिलों तक पहुँच पाएगी। गजल का मतलब यूं कहा है,
जो कहा ही नहीं, जो कहा ही नहीं उसका जहाँ चर्चा होगा, जो कहा ही नहीं उसका जहाँ चर्चा होगा, झूठ का कद तो वहाँ और भी ऊंचा होगा, झूठ का कद तो वहाँ और भी ऊंचा होगा। मतलब देखिए कि जो कहा ही नहीं उसका जहाँ चर्चा होगा, झूठ का कद तो वहाँ और भी ऊंचा होगा। और शेर मुलायजा फरमाए कि बेजुबा लोग को भी कैद यहाँ होती है, बेजुबा लोग को भी कैद यहाँ होती है, सच की आवाज हो तो बोल मेरा क्या होगा, सच की आवाज हो तो बोल मेरा क्या होगा। और शेर देखिए कि उम्र गुजरी है, उम्र गुजरी है मेरी एक तेरे वादे पर, उम्र गुजरी है मेरी एक तेरे वादे पर, मौत के बाद कहीं मिलने का वादा होगा, मौत के बाद कहीं मिलने का वादा होगा। और शेर मुलायजा फरमाए कि आईना हूं तो लोग मुझे, आईना हूं तो मुझे लोग यह कहते हैं, आईना हूं तो लोग मुझे कहते हैं आदमी ठीक तो है पर फिर भी वह झूठा होगा। आदमी ठीक तो है फिर भी वो कहते हैं, आदमी ठीक तो है फिर भी वो झूठा होगा। और एक शेर देखिए कि जिसके चेहरे पे कई और भी चेहरे होंगे, जिसके चेहरे पे कई और भी चेहरे होंगे, वो यकीनन ही जमाने में अकेला होगा, वो यकीनन ही जमाने में अकेला होगा। और शेर मुलाजा फरमाए कि इतनी मीठी इतना मीठा तो वही शख्स यहाँ बोलता है, इतना मीठा तो वही शख्स यहाँ बोलता है, पीठ पर वार सदा जिसके इरादा होगा, पीठ पे वार इरादा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजी साहब आपकी। और एक शेर मुलाजा फरमाए कि पूरी दुनिया में वही शख्स रखे कदमों में, पूरी दुनिया को वही शख्स रखे कदमों में, पूरी दुनिया को वही शख्स रखे कदमों में, जिसने सर खुद का यहाँ पहले झुकाया होगा, जिसने सर खुद का यहाँ पहले झुकाया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपने भार्गव जी बहुत अच्छा शेर सुनाया, शेर गजल हम तो लिखते नहीं लेकिन उनमें जो शब्द है, उनमें जो ऊर्जा है, उनका जो सौंदर्य है वो खास ही रहता है। आपने अपना अमूल्य समय देकर इतना सुंदर शेर, जो हम तो लिख नहीं पाते, इतना सुंदर शेर आपने सुनाया और हमको सभी को आपका पसंद आया शेर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी कविता आपके सामने पेश करती हूँ, चार लाइन। बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, गुंडी भाषा में चार लाइन, बाकी हिंदी मेरी कविता आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। मेरे सभी सगा साथियों, आप लोगों ने यहाँ आकर हम अपना अमूल्य समय दिया और सुंदर सुंदर कविता सुनाई, लेकिन यहाँ मैं भी जंगल में रहती हूँ तो नेट का बहुत प्रॉब्लम आ गया, आवाज का प्रॉब्लम आ गया, तो थोड़ा दिक्कत आ गई। फिर भी आप लोगों ने अपना समय दिया और हमारा आज के मेरे ताराम जी प्रिय मेरे साथी के जन्मदिन पर जो आपने अपना अमूल्य समय देकर अच्छी अच्छी सुंदर कविताएं सुनाई, तो इसके लिए सभी का धन्यवाद देती हूँ। और मैं मेरी कविता आपके सामने प्रस्तुत करती है। कविता का शीर्षक है गाता ओसा वन्य कोटका, गासा ओसो वन्य कोटका। बने मायका संघर्षता, बने मायका संघर्षता, विमान मिल्ली अनि रंग दोस्त का
वडी तलगंध वाता इव ढोडा झरेन ते केनेर मंता नावा कुरकातोर इदे महा मरा पोदेला कोंगसोर मंता नेतूर नवोर कुरकातोर बने माय का संघर्षता विमान मिल्ली अनि रंग दोस्त का। ये गोंडी कविता है, इसका हिंदी में कविता का नाम इस तरह का है, इतिहास फिर से लिखूंगी। गोंडी में इसका हिंदी में अनुवाद, इतिहास फिर से लिखूंगी। बनूंगी संघर्ष का इंद्रधनु, बनूंगी संघर्ष का इंद्रधनु और रंग डालूंगी, और रंग डालूंगी, प्रकट करूंगी मिट्टी में दबे हुए रूप को, और प्रकट करूंगी मिट्टी में दबे रूप को, मेरी संस्कृति सभी नीति मूल्य, मेरी संस्कृति सभी नीति मूल्य, अपने मिट्टी इतिहास के पन्नों को फिर से मैं लिखूंगी, अपने मिटे इतिहास के पन्नों को फिर से मैं लिखूंगी, दफनाए गए इतिहास को जिंदा करूंगी, दफनाया गया इतिहास को मैं जिंदा करूंगी, अपने खून से सींचूंगी, अपने अपने खून से सींचूंगी, दफनाए गए इतिहास को मैं जिंदा करूंगी, दफनाए गए इतिहास को मैं। इस मिट्टी से खुशबू आ रही है, मेरे पूर्वों के खून पसीने की, इस मिट्टी से खुशबू आ रही है, मेरे पुरखों के खून पसीने की, इस हवा से गंध आ रही, इस हवा से गंध आ रही, मेरे पुरखों के श्वासों की, इस हवा से गंध आ रही, मेरे पुरखों की श्वासों की, इन नदियों झरनों के जल में, इन नदियां झरनों के जल में आंसू है मेरे पुरखों के, इन नदियों झरनों के जल में आंसू है मेरे पुरखों के, जंगल के पेड़ पौधे में, इस जंगल के पेड़ पौधे में बह रहा खून मेरे पुरखों का, इस जंगल के पेड़ पौधे में बह रहा खून मेरे पुरखों का, नीले गगन इन तारों में, नीले गगन इन तारों में बसे है मेरे पुरखों की आत्मा, नीले गगन इन तारों में बसे है मेरे की आत्मा, इन किले महल अटारी में, इन किले महल अटारी में आवाज आ रही, इन किले महल अटारी में आवाज आ रही, ढोल मांदर रेला की धुन गूंज रही, इन किले महल अटारी में आवाज आ रही, ढोल मांदर रेला की धुन गूंज रही, जब मैं घूमती अंधेरे तलघर में, जब मैं घूमती अंधेरे तलघर में, तब तब सूरज खुद उतर आता धरती पर, क्या बात क्या बात, जब मैं घूमती अंधेरे तलघर में, तब सूरज खुद उतर आता धरती पर, मुझे प्रकाश देने, मुझे प्रकाश देने और करता, लिखो 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 तुम्हारा नया इतिहास लिखो, और करता लिखो लिखो तुम्हारा नया इतिहास, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, अपने पन्ने पर अपना खोया हुआ इतिहास लिखो, अपने पन्नों पर अपना खोया हुआ इतिहास लिखो, अब नहीं मैं रुकूंगी, अब मैं नहीं रुकूंगी, मेरा इतिहास फिर से मैं लिखूंगी, अब नहीं मैं रुकूंगी, मेरा इतिहास फिर से लिखूंगी, मेरा खोया हुआ इतिहास फिर से लिखूंगी, मेरा दफनाया इतिहास फिर से लिखूंगी, फिर से लिखूंगी, फिर से देशवा, सभी को धन्यवाद, सभी को प्यार, प्रेरणादायी, आपने ऊंचा डाल दिया मामी जी, और सही बात, हमको लिखना नहीं है, कोई रुकना नहीं, लिखना है, अरे इतनी सारी कठिनाई में ऐसा अभी बड़ी मुश्किल हो गई है। आज के कवि सम्मेलन के हमारे भाई वारू जी सोनमने जी, एक महाराष्ट्र से सबसे वरिष्ठ एक कवि है,
बहुत बड़े समाज सेवी है और आदिवासी एकता परिषद के वो संस्थापक है और पूरा भारत देश में आदिवासी एकता परिषद और वारुभाव को नहीं जानता ऐसा कोई भी नहीं है। इनकी कविताएं को प्रसिद्धि के लिए नहीं लिखते, वो अपना नाम के नहीं लिखते या किताबें पढ़ पढ़ के भी नहीं लिखते, उनसे खून के उनके खून में वो कविता है, उनके आत्मा में एक एक शब्द निकलता समाज के बारे में, शोषण है, अत्याचार है, समाज का दर्द है, समाज का जो दफनाया गया इतिहास है, सांस्कृतिक मूल्य है और हमारी भाषा का जो सौंदर्य है उसके बारे में हमारे भावरुभाव लिखते हैं। और अभी बाढ़ हिलने लगा है, गोधड़ जैसा उनका काव्य संग्रह है और महाराष्ट्र के कई यूनिवर्सिटी में पाठ्यक्रम में भावरुभाव की कविताएं है। वो आदिवासी समाज के लिए तो काम करते हैं, आदिवासी साहित्य में तो उनका नाम सबसे पहले क्रमांक पर है, लेकिन बाकी समाज के भी साहित्य क्षेत्र में भावरुभाव को इन्हें जाने माने वरिष्ठ कवि करके एक विचारवंत, एक साहित्यिक और एक चळवळ का काम करने वाले बहुत बड़ा निरपेक्ष, निस्वार्थ और पारदर्शी ऐसा आदमी करके भावरुभाव की प्रतिमा समाज में है। हमें भावरुभाव आज हमारे ताराम जी को उनके जन्मदिन पर अपना कवि सम्मेलन का अध्यक्ष स्थान उन्होंने अपनाया, क्योंकि वो हमारे ताराम जी को भाटो कहते थे, दोनों में आपसी साले भाटो का रिश्ता था और मजा भी करते थे, हमेशा एक दूसरे को खिलाते थे। तो हमारे ऐसे भावरुभाव ने आज अपना समय दे दिया और अपने सम्मेलन की अध्यक्षता जो भी है वो संभाला, धुरा संभाले। तो इसके बाद हमारे भावरुभाव अपने कविता सुनाएंगे और अपना अध्यक्ष भाषण सुनाएंगे। भावरुभाव स्वागत, भावरुभाव स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत सबको इस कार्यक्रम में सहभागी सभी कवियों को सेवा जोहार, आपकी जय, गुलान जिंदाबाद। हाँ, आपकी जय। इस सम्मेलन में, इस कवि सम्मेलन में, इस कवि सम्मेलन में सहभागी हुए अलग अलग अंग में से अपना कवि का, अपना भावनाओं का दर्शन दिखाए, अपने अस्तित्व, अपनी अस्मिता को कायम रखने की कोशिश की है। तो हम इस जग में ये कहना चाहता हूँ कि कवि और कवि सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन, कथा हो, नाटक हो, उपन्यास हो, यह सभी अपनी भावना तो व्यक्त करते हैं, लेकिन वो भावना मानवीय दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए अपना मेहनत का कस लगाते हैं, या हमारी भावना को विकृत करने के लिए कोशिश करते हैं, जिसका प्रतिबिंब हमको इन आज के कई कवि सम्मेलन में नजर आया। आदिवासी के बीच में भी हमारा अस्तित्व को बनाए के रखने के लिए तो कोशिश करते हैं, हमारा इतिहास को, हमारी बोली भाषा को, हमारे जो संत त्योहार है उसको उजागर करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन ऐसे स्थिति में भी हमारे आदिवासी कुछ भाई ऐसे होते हैं जो प्रभावित जीवन जीते हैं और जो खुद को वनवासी कहने में अपने आप को गौरवित करते हैं। यह बहुत एक खतरनाक चीज हमारे जीवन में हमारे भाइयों की ओर से आती है तो हमको वेदना होती है। तो ऐसे स्थिति में हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान को हम किस तरह से बनाए रखें, हमारा इतिहास है
तो ये इतिहास को हम लिखेंगे, इतिहास हम कैसा इतिहास लिखेंगे, उस इतिहास में हमारा आत्मसम्मान किस तरह का है, इस तरह से हमको ये देखना होगा। बोली भाषा को ये करना है ने, बोली भाषा को हम बनाए रखना यानी हमारी एक संस्कृति को बनाए रखने के समान है, इसलिए बोली भाषा यानी एक संस्कृति होगी। अगर बोली भाषा किसी की एक खत्म हो गई तो समाज की संस्कृति खत्म हो गई, इस तरह का होगा। तो हमारा साहित्य में हम अलग अलग अंगों में से हमारा जीवन को अपनी कविताओं से प्रदर्शन किया है। तो बहुत कुछ मैं यहाँ ज्यादा नहीं कहूँगा, मैं इतना कहूँगा अभी कि कोई भी कविता में कथा में या उपन्यास में नायक की भूमिका होती है। तो मैं भी माँ पहली लड़ाई तो हमारे ही बीच ऐसे करके जो पहाड़ हिलने लगा, इस कविता संग्रह में ये कविता है। और पहले ये भिलोरी भाषा में है, मैं भिलोरी भाषा में ही पढ़ के बताऊंगा, और भिलोरी भाषा के बाद में जो हिंदी अनुवाद है वो भी मैं पढ़ के बताऊंगा। शुरुआत में मैं भिलोरी भाषा में पढ़ूंगा। काव कुलगुन मनी बाजू धरची माँ, काव कुलगुन मनी बाजू धरची माँ, बाबा गाया दे अन तू जीव तोड़, नाता तोरी टाक माँ नाता। काव कुलगुन मनी बाजू धरची माँ, काव कुलगुन मनी बाजू धरची माँ, बाबा गाया दे अन तू जीव तोड़, नाता तोरी टाक माँ। मला पुलिस मारी टाकीत करीन तू भिवी गई, मला बंदूकच मारी अशी बात नामी है माँ, मला बंदूकच मारी अशी बात नामी है माँ, जीव लेणार चौफेर सर घर मा बाहेर सगा साय माय बाप बठसमा पाणी मुरायल सर, अन ते तसेच बोलत तवय ते बी त्या जीव लेणार देखा, मरणनी नेटमा कतलाक दबका पियो, जीव सताओ माणूस ने लड़ाई लड़ना पड़ी, बाहर नी दुनिया आवल ना नी है, बाहर नी दुनिया आवल ना जीव भीव लागला तो मग नमा, मला कजा जन्म देनी पेट माज लिपी पीत, माँ ऐ दुनिया आवल ना नी है, माँ ऐ दुनिया आवल ना नी है, तुना डोया मा भी पानी मना डोया मा भी पानी, तुना जीव तत्य मना जीव तत्य। यह जो माँ बेटों का जीतने का वो संवाद है, वो माँ व्यक्तिगत जीवन को बनाए रखने की जो मानसिकता है, मैं और मेरा घर मेरा परिवार मेरा बेटा इतना ही वो माँ सोचती है। और जो नायक है जो कवि है अपनी भावना व्यक्त करता जो नायक है वो समूह जीवन कहता है और पूरा समाज की बात करता है, पूरे मानव जाति की करता है, और वो बात से उनके बीच में संवाद बताया गया है, वो संवाद ही बताता हूँ। कब तक मेरी तरफ से बोलोगी माँ, कब तक मेरी तरफ से बोलोगी माँ, बाप गालियां देता है और तू जान लड़ लेती है, कब तक मेरी तरफ से बोलोगी माँ, बाप गालियां देता है और तू जान ऊंधे लेती है, नाता तोड़ दे माँ नाता तोड़ दे, माँ पुलिस मुझे मार डालेगी इसलिए तू डर गई, माँ पुलिस मुझे मार डालेगी इसलिए तू डर गई, मुझे बंदूकी मारेगी ऐसी बात नहीं है माँ, मुझे बंदूकी मारेगी ऐसी बात नहीं है माँ, जान लेने वाले तो चारों तरफ है, जान लेने वाली है तो चारों तरफ है, घर के भीतर बाहर सभी संबंधी माँ बाप सभी में पानी, सभी का मन तो सही है, जब वे ऐसे ही करते हैं बात करते हैं तो भी वे
मुझे जान लेने वाले ही लगते हैं। मौत के खौफ से तब तक चिपकती हूँ, जान में जान है तब तक, जान में जान है जब तक लड़नी पड़ेगी इंसानियत की लड़ाई। भली नहीं यह बाहर की दुनिया, भली नहीं यह बाहर की दुनिया, जान का डर था इतना तो माँ मुझे जना ही क्यों, पेट में ही लिए घूमती रहती। माँ यह दुनिया भली नहीं, तेरी आँख में भी पानी, मेरी आँख में भी पानी, तेरी जान दुखी है, मेरी जान दुखी है। माँ तेरा मन घर में किसका है, और मेरा मन खींच रहा है बाहर। माँ पहली लड़ाई तो हमारे बीच में। इस तरह का यह कविता ये खत्म करता हूँ। मुझे इस कविता सम्मेलन में अध्यक्ष का स्थान दिया और आपने अच्छी तरह से अपना कविता दर्ज किया, इसलिए आप सबका आभार मानता हूँ और मेरे दो शब्द यही खत्म करता हूँ। धन्यवाद भारू बहु, बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई, अपने विचार भी अच्छे सुनाए और इतनी सुंदर कविता थी कि पहली लड़ाई आप प्लीज मैंने माँ पहली लड़ाई तेरे और मेरे बीच में है, ये जो शब्द है के मन में खुल अंदर तक जाते हैं, बहुत सुंदर कविता आपने, धन्यवाद। अभी इसके बाद शताली कुछ शब्द बोलेंगे और आभार प्रदर्शन हमारे वड्डे सर करेंगे, बोले ये हमारा सम्मेलन संपन्न किया, समय दिया, अच्छी कविताएं सुनाई, तो इसके बाद शताली कुछ अपने विचार रखेंगे। शताली स्वागत है, सेवामान सेवा सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। सबसे पहले तो हमने ये काफी अच्छे से प्लान किया था, बट कुछ तकनीकी कारणों से हम उसे पूरी तरह से सक्सेस नहीं कर पाए, लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि देश के मतलब देश में जितने भी राज्य है वहां से हर एक व्यक्ति आए, हर एक कवि आए, तो अपनी भाषा में कविता सुनाए, ताकि बहुत सारे जो मेरे जैसे नवयुवा है उनको पता चल सके कि इतने राज्यों में हमारी इतनी समाज की भाषाएं हैं और उनमें इतना साहित्य हमारा जो इतना रिच है, इतना क्या कहते हैं उसे, बहुत रिच साहित्य और इतना में बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स है, तो कविताओं का जो सुंदरता है कविताओं की, छोटी सी मतलब शब्दों में, छोटे से शब्दों में, छोटी सी पंक्तियों में, चार लाइनों में आप पूरी मतलब एक क्या कहते हैं, एक समाज का पूरा सार उतार सकते हैं। कविताएं जितनी मृदु होती है उतनी कठोर भी होती है, जितनी कविताएं सौम्य होती है उतनी विद्रोही भी होती है। आप एक लाइन की मतलब एक पंक्ति को, आप कविता की पंक्ति को आप एक शस्त्र की तरह यूज कर सकते हैं, एज अ वेपन आप यूज कर सकते हैं, कविताओं में इतनी ताकत होती है। भाषण की बात करें या फिर और साहित्य की बात करें, जो लिखा जाना है उसमें शब्दों की पार होती है, लेकिन कविताएं एक ऐसा रूप है जो चंद शब्दों में व्यक्त हो जाती है, इंसान को व्यक्त करती है। तो इसी के लिए हमने सोचा था कि ये कवि सम्मेलन रखा जाए, और मैं सच में माफी चाहूंगी सबसे कि तकनीकी कारणों की वजह से हम आप लोगों को ठीक से समय नहीं दे पाए, या फिर ठीक से सबके बायोडाटा जो थे, इंट्रो जो थे, हम उसमें पीछे रह गए, तो मैं माफी मांगती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम अगला सम्मेलन जब भी रखे इस तरह की दिक्कतें ना आए, और 7 नवंबर को हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग अगला सम्मेलन रखे, बट इसकी जानकारी मैं फिलहाल मैं इतना ही कहूंगी। और मैं आभार प्रदर्शन के लिए हमारे जो वड्डे सर है, जो शुरुआत से मतलब आपने जो लिखा बहुत सुना दीजिए, बताइए जी आपने लिखा ना, मैंने सुनाइए, छोटा सा आप रखिए, युवा पीढ़ी से आना चाहिए। जी मैं एक कविता, ठीक है, वारू मामा भी एक कविता आइको का, आइको
चलिए मैं कोशिश करती हूँ। अपनी मेरी कविता है, मैंने काफी पहले लिखी थी और मैं सुनाना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है हमारा हक। हमारा हक बहुत खूबसूरत जी। हाँ, कविता मैंने 2017 में लिखी थी। तो आदिवासी समुदाय के ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ ही कह लीजिए, मैंने एक कविता लिखने की कोशिश की है, वो मैं सुनाती हूँ। हमें हक नहीं है बोलने का, हमें हक नहीं है बोलने का, हमें नहीं है हक कुछ कहने का। कहना बोलना सुनाना सब तुम्हारा, पर हमारे हक में सिर्फ सुनना। कहना बोलना सुनाना सब तुम्हारा, हमारे हक में सिर्फ सुनना है। क्यों? क्योंकि तुम पढ़े लिखे सवर्ण हो और हम ठहरे आदिवासी। क्योंकि तुम पढ़े लिखे सवर्ण हो और हम ठहरे आदिवासी। हमें नहीं है हक तुमसे सवाल पूछने का, तुम चाहे जो कहो, हम सिर्फ मुंडी हिलाएंगे। मुंडी किस दिशा में हिलाना डुलाना है यह भी तुम तय करोगे। हम कठपुतली है तुम्हारे हाथों की, तुम बोलो और हम मुंडी हिलाए। तुम जिधर बोलो हम उधर मुंडी हिलाए। अगर हमारी मुंडी तुम्हारे खिलाफ हिली तो काट दी जाएगी। अगर हमारी मुंडी तुम्हारे खिलाफ हिली तो काट दी जाएगी। ये हम नहीं बोल रहे बल्कि तुम्हारी नजरें हमें बता रही है। ये हम नहीं बोल रहे हैं बल्कि तुम्हारी नजरें हमें बता रही है। चाहे घुरो या मुंडी काटने की धमकी दो, अब चाहे घुरो या मुंडी काटने की धमकी दो, हम नहीं है न मानेंगे। हमने न कभी हार मानी है न मानेंगे। अब हमारी गर्दन हमारे हिसाब से हिलेगी, अब हमारी गर्दन हमारे हिसाब से हिलेगी। थक चुके हैं तुम्हारी यातनाओं को सहते सहते, हम थक चुके हैं तुम्हारी यातनाओं को सहते सहते, पर अब नहीं, क्योंकि अब बारी हमारी है। क्योंकि अब बारी हमारी है। हम ईंट का जवाब पत्थरों से देना सीख, हम ईंट का जवाब पत्थरों से देना सीख गए हैं। बस यही मेरी कविता थी। और बहुत सच्चाई बयां कर दी, सच्चाई बयां कर दी। बहुत इसी कविता के साथ मैं हमारे जो गोंडवा दर्शन की जो टीम है, कमलेश गोंड या फिर हमारे बिच्छू अड्डे सर या फिर नंद किशोर मेहताम सर, उन्होंने बहुत कोशिशें की है, बहुत मेहनत की है, तो मैं उनको थैंक यू कहती। अभी मैं बिच्छू अड्डे सर से कहती हूँ, आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि वे अपना आभार व्यक्त करें। नेताम सर नहीं आए। बिच्छू अड्डे सर आप सुन रहे हैं? जी मैम। जी जी नेताम सर नहीं आए। नेताम सर नहीं आए। नेताम नहीं नहीं जी जी आभार। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आपकी आवाज आ रही है। अरे सभी 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 को सेवा 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 जो है, गोंडवाना रत्न फुलेर सिंह ताराम जी के जयंती पर गोंडवाना कवि सम्मेलन ऑनलाइन आयोजित किया था। इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता महाराष्ट्र के जाने माने सुप्रसिद्ध वरिष्ठ साहित्यकार लेखक वारू भाऊ सोनवानी जी ने निभाई और इस सम्मेलन का उद्घाटन किया झारखंड से वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार कवियत्री वासी हिड़ो जी ने। इस कवि सम्मेलन में देश के अलग अलग स्टेट से विविध बोली भाषा में 16 कवियों ने अपनी कविताएं सुनाई, जिसमें गायकवाड़ सर महाराष्ट्र से, डॉक्टर हीरा मीना जयपुर राजस्थान से, हेमराज बोयर महाराष्ट्र से, मोरजुम लोही जी अरुणाचल प्रदेश से, रमा टेकाम जी मध्य प्रदेश से, स्ट्रीमलेट डकार शिलांग मेघालय से, स्नेहलता नेगी हिमाचल प्रदेश से, लखन सिंह कटरे गोंदिया महाराष्ट्र से, सोवा येलमो कलिम्पोंग पश्चिम बंगाल से, मानिक जेड़ाम सर गोंदिया महाराष्ट्र से, जनार्दन गोंड उत्तर प्रदेश से, रेखा जुमना के वर्धा महाराष्ट्र से, पालेकर जी गजलकार महाराष्ट्र से, उषा किरण आत्राम कचारगढ़ महाराष्ट्र से, वारू सोनवाने जी महाराष्ट्र से, इन सभी ने अपने इस कवि सम्मेलन में सहभागिता दर्शाकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसलिए मैं बिच्छू वड्डे गोंडवाना दर्शन संपादक मंडल तथा गोंडवाना दर्शन परिवार की ओर से सभी कवियों का आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम की हाजिरी के लिए हम आपके आभारी है।
कार्यक्रम के समापन के पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। आज का दिन अपूर्व दिन गुरुवाना दर्शन के संस्थापक एवं संपादक सुनील सिंह तारम जी की जयंती समारोह पर देश के अलग अलग राज्यों से लोग जुड़ गए। तारम जी ना होते तो शायद ही हम देश के कोने कोने में बसे हमारे सगाओं से बात कर पाते। तारम जी की कुशल दूरदृष्टि अथक प्रयास का ही यह परिणाम है जो आज हम हमारे पूर्व वासी सगा पाड़ियों से एक मंच पर मिल रहे हैं। तारम जी की साहित्य सेवा, समाज सेवा, गोंडवाना दर्शन पत्रिका 32 साल तक मतलब अंतिम सांस तक निकालना, यह हमें इंगित करता है, दर्शित करता है कि देश में जितने भी जनजाति समुदाय के लोग है वो सब एक है। उनकी रीति नीति संस्कृति पुणे में एक है। हमारी समस्या एक है, हमारी मांग एक है। हम इस देश के मूल बीज है, मूल वासिंदे है, हमें हमारा हक मिलना चाहिए। 32 साल तक साहित्य पूरे गोंडवाना में जनजातीय समाज को साहित्य की रोशनी देने वाला निस्वार्थ सेवक, लेखक, खोजी पत्रकार चिंतक अब हमारे बीच नहीं रहे, पर उनकी साहित्य सेवा, समाज सेवा, समाज के प्रति उनकी सोच एक अमित दस्तावेज बनकर युग युग तक हमारे बीच रहेगा। प्रज्ञावंत लेखक, संशोधक, गोंडवाना रत्न, गोंडवाना भूषण के शिरोमणि सुनील सिंह तारम जी की जयंती पर उनकी याद में गोंडवाना कवि सम्मेलन ऑनलाइन आयोजित किया था। मैं आभारी हूँ आप सभी कवियों का। अगर आप इस ऑनलाइन सम्मेलन में समाज के प्रति रुचि नहीं दिखाई होती तो आज का सम्मेलन आधा अधूरा सा लगता था। आप सभी ने अपना अमूल्य समय देकर दर्शक श्रोताओं का मनोबल बढ़ाया। आप सभी ने सारगर्भित कविता के माध्यम से समाज के प्रति हमारे दायित्व की पहचान करी। रचनाओं से समाज की दशा और दुर्दशा पर प्रकाश डाला। मैं आप सभी का फिर से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट हुए सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का, सुनने वालों का, जिन्होंने इतना समय हमारे साथ बिताया, उन सभी का मैं आभारी हूँ। गोंडवाना दर्शन संपादक मंडल भविष्य में इसी तरह के आयोजन से मूलवासी लोगों को जागरूकता, अपनी अस्मिता पहचान को बचाए रखने में जरूर प्रयास करेगा। गोंडवाना दर्शन संपादक मंडल के सभी साथी, सताली शर्मा के जी, नंदेश्वर नेताम जी, कमलेश गोंड जी, रमेश काते जी, प्रवीण मंडल जी, रमेश कोरचा जी और उसे जी का भी बहुत धन्यवाद। सेवा 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 जोहार। आज का कार्यक्रम आपने बहुत ही शालीनता के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराकरण की शोभा बढ़ाई। आज का गोंडवाना कवि सम्मेलन सबके लिए प्रेरणादायी होगा, ये मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को सेवा 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 जोहार। सेवा जय गोंडवाना। पर जो बात रखने के लिए है उनका भी हम किताब निकाल रहे हैं। तो मेरी एक गुजारिश है कि आपसे हमारा लेख संग्रह निकालने के लिए, कविता संग्रह निकालने के लिए भी आप सहयोग करें। गोंडवाना दर्शन काम है वो अभी तो अने अंक के रूप में नहीं निकल रहा, लेकिन लाइव पर हमारा काम शुरू है। अने अनेक भारत के लोग आकर, बाहर देश के भी लोग आकर अपने अपने विचार रखे और आगे भी रखेंगे, इससे एक समाज में जागृति का काम हो जाएगा और हम सब जन अलग अलग ग्रुप के लोग, अलग अलग गण के लोग जुड़ेंगे। ये आज का कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद।